वेलकम एवरीवन। आज फिर से आ गए नई गवर्नमेंट वैकेंसी के साथ, जो कि इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर पंचकुला हरियाणा से निकलकर आ रही है। इस भर्ती में कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है? जब इसकी एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं? इसमें एज लिमिट क्या मांगी है? आपको इसमें सैलरी कितनी मिलने वाली है? इसमें कितनी पोस्ट निकाली गई है? इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा है? लिखित परीक्षा होने वाली है, उसका सिलेबस क्या होने वाला है और आपको फॉर्म कैसे फिल करना है? सिलेक्शन प्रोसेस के सभी टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि ऐसी प्रत्येक वैकेंसी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो वहां पर पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंडियन आर्मी की यह ऑफलाइन वैकेंसी वार्ड सहायिका एंड हेल्थ इंस्पेक्टर के पदों पर निकाली गई है। यह वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया के लिए है। इस भर्ती में मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी की जो ऑफलाइन एप्लीकेशन है वो 9 अप्रैल 2022 से लेकर के 23 मई 2022 तक भरे जाएंगे। इसके एप्लीकेशन आपको ऑफलाइन मोड यानी कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से ही सबमिट करने होंगे। ऑफलाइन एप्लीकेशन फीस की बात करें, जो जनरल वाले हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इन सभी के लिए यहाँ पर 100 रुपये की फीस रखी गई है। इस फीस को आपको जो है सेंटर का एड्रेस है, इसी सेंटर के फेवर में पोस्ट ऑफिस से 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बनवा कर डॉक्यूमेंट के साथ लिफाफे में रखकर सेंटर पर भेजना होगा। इस वैकेंसी की जो एज लिमिट है, उम्र सीमा है, आपकी जो उम्र है वो 23 मई 2022 से काउंट की जाएगी। जो पहली पोस्ट है वार्ड सहायिका, इस पोस्ट के लिए आपकी उम्र 18 से 25 साल होनी चाहिए। और जो हेल्थ इंस्पेक्टर है, इस पोस्ट के लिए आपकी उम्र 18 से 27 साल होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करें, यानी कि उम्र में किसको कितनी छूट मिलने वाली है, जो ओबीसी वाले हैं उनको 3 साल की छूट मिलेगी, जो एससी एसटी वाले हैं उनको 5 साल की छूट मिलने वाली है, और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है यानी कि जो विकलांग है उनको यहाँ पर 10 साल की छूट मिलने वाली है। जिनको उम्र में जितनी भी छूट मिलने वाली है वह इस एज लिमिट में ऐड हो जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड सैलरी की बात करें तो जहाँ पर पहली पोस्ट है वार्ड सहायिका, इसके लिए यहाँ पर टोटल 51 पोस्ट निकाली गई है। इस पोस्ट के लिए केवल फीमेल ही अप्लाई कर सकती है। इसके लिए 18,000 से लेकर के 56,900 तक सैलरी मिलने वाली है। यदि आपने 10वीं पास कर ली है और साथ में जो सिविल हॉस्पिटल्स होती हैं उन हॉस्पिटल में आपकी फैमिली से कोई दाई पोस्ट पर वर्क करता है और उस पोस्ट का आपको अनुभव हो जाता है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। या फिर आपने किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से दाई ट्रेड के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस ले लिया है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। सेकंड पोस्ट है हेल्थ इंस्पेक्टर, इसके लिए यहाँ पर टोटल 19 पोस्ट निकाली गई हैं। इसके लिए केवल जो मेल कैंडिडेट हैं वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए 25,500 से लेकर के 81,100 तक सैलरी मिलने वाली है। यदि आपने 10वीं पास कर ली है और 10वीं के साथ साथ यदि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से या संस्था से आपने सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स यानी कि स्वच्छता निरीक्षक के लिए कोर्स कर लिया है और साथ में यदि आपके पास सैनिटरी इंस्पेक्टर ट्रेड का किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस से या फिर किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस ले लिया है तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर जो आपकी जो पहली स्टेज है वो है रिटर्न टेस्ट यानी कि लिखित परीक्षा। यह जो लिखित परीक्षा है यह हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होने वाली है। इसमें 10th बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे यानी कि इसमें 10वीं कक्षा के लेवल के प्रश्न आने वाले हैं। इस वैकेंसी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया है कि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी हो सकती है। इस पेपर में सभी के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न रहने वाले हैं। इस पेपर का सिलेबस देखें तो इसमें इंटेलिजेंस रीजनिंग के 25 प्रश्न 25 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 50 प्रश्न 50 नंबर के, जनरल इंग्लिश के 50 प्रश्न 50 नंबर के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक के 25 प्रश्न 25 नंबर के आने वाले हैं। तो यह पेपर टोटल 150 नंबर का होने वाला है जिसमें 150 प्रश्न आएंगे। इस पेपर में आपको केवल 2 घंटे का समय दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की सेकंड स्टेज है स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट, थर्ड स्टेज है मेडिकल टेस्ट, फोर्थ स्टेज है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिफ्थ स्टेज है फाइनल मेरिट लिस्ट। इसी मेरिट लिस्ट पर आपका सिलेक्शन डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं इस भर्ती के जो आवेदन है वो कैसे करना है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सबसे पहले आपको इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेना है और आपको 2 लिफाफे लेना है, एक बड़ा लिफाफा और एक छोटा लिफाफा। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड करने की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पहले स्टेप में इस भर्ती जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सावधानीपूर्वक भर लेना है। इसको आप हिंदी या इंग्लिश दोनों भाषा में भर सकते हैं। यदि आप इस फॉर्म को इंग्लिश में भर रहे हैं तो आप इंग्लिश के कैपिटल लेटर में ही भरें। यहाँ पर आपको आपकी नई फ़ोटो चिपकानी है और फोटो को सेल्फ टच करना है।
यानी कि पोर्ट के ऊपर आपके साइन करने हैं। आधे साइन पोर्ट पे रहने चाहिए और आधे साइन फॉर्म पे होने चाहिए। फॉर्म भरने का जो मेन पॉइंट है मैं उसको बता दे रहा हूँ, बाकी पूरा सिंपल प्रोसेस है, आप उसको आराम से भर सकते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि जो यह वैकेंसी है, यह वैकेंसी किस न्यूज पेपर में रिलीज किया गया था, तो वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज में रिलीज किया गया था। तो यहाँ पर जगह कम है इसलिए आप यहाँ पर शॉर्टकट लिख दें EMP न्यूज। और यहाँ पर पूछा है एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या था इसका, तो इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर EN2/67 है और इसकी जो रिलीजिंग डेट है वो 9 अप्रैल 2022 है। और यहाँ पर 4 नंबर में पूछा है कि इस भर्ती की जो लास्ट डेट 23 मई 2022 है, इस तारीख को आप कितने साल के, कितने महीने के, कितने दिन के हो गए हैं वो निकाल कर आपको यहाँ पर लिखना है। फॉर्म को अच्छे से भरने के बाद में आपको बड़ा बड़ा लिफाफा लेना है जिस पर आपको कैपिटल लेटर में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसको यहाँ पर लिख देना है। इन कैटेगरी के बाद आपको आपकी SC ST OBC जो भी आपकी कैटेगरी है उसको यहाँ पर लिख दें। अब आपको यहाँ पर फॉर्म लिख करके आपका नाम, आपके पिताजी के नाम, आपके एड्रेस में विलेज, पोस्ट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड इतना लिख दें। आप चाहे तो अपना मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको 2 लिख करके सेंटर का यही वाला सेम टू सेम एड्रेस आप भी लिख दें। इसके बाद आपको छोटा वाला लिफाफा लेना है जिसमें आपका एडमिट कार्ड घर पर आएगा, इस पर भी आपका नाम लिखना है, आपके पिताजी का नाम, आपके एड्रेस में विलेज, पोस्ट, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड सभी सभी लिख दें। और इस पर आपका मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आपका सेंटर से एडमिट कार्ड घर पर आएगा तो पोस्ट ऑफिस वाला आपसे इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सके। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इस लिफाफे पर किसी प्रकार का पोस्टल स्टाम्प या फिर डाक टिकट चिपकाने का नहीं बोला गया है। तीसरे स्टेप में आपके जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है, प्रत्येक डॉक्यूमेंट की एक एक फोटोकॉपी करवा के आपको रख लेनी है, जैसे 10वीं 12वीं का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र। यदि आपके पास सेंट्रल वाला जाति प्रमाण पत्र है तो आप उसकी फोटोकॉपी लगा दें, यदि नहीं है तो आप ऑनलाइन वाले की ही फोटोकॉपी लगा सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि स्थायी निवासी, इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, इनमें से किसी एक की फोटोकॉपी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी। यदि आपके पास कोई अन्य डॉक्यूमेंट है तो आप उनकी फोटोकॉपी भी लगा सकते हैं। जितनी भी फोटोकॉपी आप सेंटर पर भेज रहे हैं उन फोटोकॉपी को सेल्फ अटैच जरूर करना है, यानी कि प्रत्येक फोटोकॉपी पर अपने साइन जरूर कर दें। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सेंटर पर आपकी एक्स्ट्रा फोटो भेजने का नहीं बोला है, केवल फॉर्म में 2 फोटो चिपकाने का बोला है। और आप जो 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बनवाओगे पोस्ट ऑफिस से, उसकी फोटोकॉपी सेंटर पर नहीं भेजना है, उसको तो ओरिजिनल ही सेंटर पर भेजना होगा। चौथे स्टेप में एप्लीकेशन फॉर्म को, सभी सभी फोटोकॉपीज को, और आपका जो स्मॉल एनवेलप यानी कि छोटा लिफाफा उसको, और आप जो 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बनवाओगे उसको, इन सभी को बड़े वाले लिफाफे में रख करके अच्छे से पैक कर देना है। अब आप इस बड़े वाले लिफाफे को किसी भी सरकारी पोस्ट ऑफिस से केवल स्पीड पोस्ट या फिर राष्ट्र पोस्ट, इन दोनों में से किसी एक के माध्यम से आप भेज सकते हैं। ध्यान रहे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऑर्डिनरी पोस्ट यानी कि सामान्य डाक से भेजने का नहीं बोला गया है। आई होप आज की जो वैकेंसी थी इसकी जानकारी आपको मिल चुकी है। यदि आपको कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इस भर्ती की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप उस लिंक पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लें और फॉर्म फिल करने से पहले एक बार उस नोटिफिकेशन का जरूर पढ़ लें। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी प्रत्येक वैकेंसी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यदि आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहां पर पेज को लाइक एंड फॉलो जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।